जय हिंद दोस्तों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है हमारे नॉलेज विला के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, ये हम आप लोगों के सामने फिर से एक नई कड़ी लेकर के आए हैं करंट अफेयर की, जो कि मध्य प्रदेश तथा भारत से संबंधित है। दोस्तों, पिछले वाले वीडियो में भी हमने बहुत अच्छी न्यूज कवर की थी, तो यदि आपने वो सारी करंट अफेयर देखी, दोस्तों हम आपको एक बात पहले बता दें कि आप स्टूडेंट हैं और आप ये मत सोचिए कि हम कल का करंट अफेयर पढ़ रहे हैं या परसों का, है ना। जैसे ये तो अभी का हाल ही का करंट अफेयर है, तो आपके एग्जाम में तो 6 महीने या 1 साल पहले तक का पूछा जाता है, तो आपको आज या कल से मतलब नहीं रखना है, है ना, कि ये कल की चीज है या परसों की चीज है, तो हमें तो आज बस की पढ़नी है ना। जो भी आपको मटेरियल यहाँ पर दिया जाता है, क्योंकि यहाँ पर हम करंट अफेयर के साथ साथ में बहुत सारी ऐसे कॉन्सेप्ट और स्टैटिक चीजें आपको यहाँ पर प्रोवाइड कराते हैं, जो कि आपके एग्जाम में सीधे डायरेक्ट लिखी मिल जाती है। तो आपको ये दोस्तों, आपको कुछ दिन बाद आप इसका अंदाजा लगाना, पहले आप पढ़ते चले जाइए, इसके बाद आपको अंदाजा लगेगा कि आखिर हमने चीज कितनी महत्वपूर्ण चीजें पढ़ी हैं, जब आपके एग्जाम में यही सेम चीजें आपको लिखी लिखाई मिलेंगी। दोस्तों, इसी तरह से अपन को करंट अफेयर की समझ डेवलप करनी है, अपन को करंट अफेयर को रटना नहीं है, ठीक है ना। तो चलिए, और याद कराना हमारी जिम्मेदारी है। पहला क्वेश्चन देखिए, मध्य प्रदेश देश के कुल गेहूं निर्यात में कितने प्रतिशत गेहूं निर्यात की भागीदारी करने के साथ साथ में देश के पहले स्थान पर आ गया है। दोस्तों, गेहूं निर्यात करने के मामले में अगर देखा जाए तो मध्य प्रदेश पहले स्थान पर है, तो आखिर कितने परसेंट मध्य प्रदेश ने गेहूं का निर्यात किया? आप सामने देख रहे हैं, लेकिन समझ लीजिए, हमें पता है ना, आप लोग बहुत थोड़ा सा इंटेलिजेंट भी है, सामने उत्तर लिखा है तो आप देख भी रहे हैं, ठीक है। तो देखिए, मध्य प्रदेश जो देश में गेहूं निर्यात के मामले में है नंबर 1 पर है, तो पूरे देश का कितने परसेंट गेहूं का विदेशों में मध्य प्रदेश के द्वारा निर्यात किया जाता है? तो जो टोटल देश में गेहूं उत्पादन होता है दोस्तों, उसका लगभग यहां पर 46% जो है, तो गेहूं का निर्यात मध्य प्रदेश के द्वारा किया जाता है। तो यह भी आपको यहां पर याद रखना, 46% मध्य प्रदेश गेहूं का दोस्तों निर्यात करता है। कितना गेहूं टोटल? लगभग 21 लाख मीट्रिक टन गेहूं का निर्यात मध्य प्रदेश करता है, और इस तरह से पूरे देश में यानी कि भारत में गेहूं निर्यात के मामले में मध्य प्रदेश दोस्तों पहले स्थान पर है, ये आपको याद रखना है। अब देखिए दोस्तों, एमपी में गेहूं से जुड़े कुछ महत्वपूर्ण चीजों के बारे में यहां पर देख लीजिए, आपके सामने एक डायग्राम बना है, इसी तरह से आपको भी अपनी कॉपी में बना लेना, हमेशा के लिए ये आपका हो जाएगा, है ना। जो करंट का विषय था, करंट की न्यूज थी, वो तो बात इतनी है, अब इसके बारे में थोड़ा सा हमें समझना है। देखिए, गेहूं के बारे में यहां पर देखें तो देखिए दोस्तों, अगर देखा जाए तो कुल गेहूं के निर्यात में प्रथम स्थान पर है क्या? मध्य प्रदेश। देश में कुल गेहूं के निर्यात में पहले स्थान पर है मध्य प्रदेश, 46% गेहूं का निर्यात करता है, ये आपको याद होना चाहिए हमेशा के लिए। मध्य प्रदेश में गेहूं की सर्वाधिक प्रचलित जो किस्म है, मध्य प्रदेश में गेहूं की दोस्तों जो सर्वाधिक प्रचलित किस्म है, उसका नाम क्या है दोस्तों? सरबती गेहूं। सरबती गेहूं दोस्तों थोड़ा सा स्वाद में मीठा होता है और बड़े आकार का इसका दाना होता है, ये सरबती गेहूं होता है। मध्य प्रदेश में सर्वाधिक दोस्तों प्रचलित किस्म है सरबती गेहूं की, ये भी आपको याद रखना है। अगर यहां पर देखा जाए दोस्तों, अंतरराष्ट्रीय गेहूं एवं मक्का अनुसंधान केंद्र कहां पर है? अगर हम आपसे यहां पर पूछें, अंतरराष्ट्रीय गेहूं एवं मक्का अनुसंधान केंद्र, जिसका नॉर्मन बोरलॉग के नाम पर इस अनुसंधान का केंद्र का नाम पड़ा है दोस्तों, विश्व में हरित क्रांति के जनक नॉर्मन बोरलॉग कहे जाते हैं, और दोस्तों नॉर्मन बोरलॉग के नाम पर ही, यहां पर याद रखना, नॉर्मन बोरलॉग के नाम पर ही इंटरनेशनल गेहूं एवं मक्का अनुसंधान केंद्र खामरिया जबलपुर में है दोस्तों। जबलपुर में कौन सा स्थान है? खामरिया, यह भी आपको याद रखना है। जबलपुर की खामरिया में अंतरराष्ट्रीय गेहूं और मक्का अनुसंधान केंद्र स्थित है, ठीक। अगर देखा जाए दोस्तों, विश्व में सर्वाधिक गेहूं का उत्पादन दोस्तों कौन सा देश करता है? तो दुनिया में सर्वाधिक गेहूं का उत्पादन, आप याद कीजिए, ठंडे वाले और मैदानी क्षेत्रों में होगा, यानी कि चाइना का एक क्षेत्र है जहां पर गेहूं का सर्वाधिक दुनिया में उत्पादन होता है। तो चीन दोस्तों गेहूं उत्पादन करने के मामले में दुनिया में सबसे टॉप पर है, ये भी आपको याद रखना है। अगला है इसी के बारे में, भारत में सर्वाधिक गेहूं का उत्पादन कौन से राज्य में होता है या कहां पर होता है? तो भारत में सर्वाधिक गेहूं का उत्पादन अगर देखा जाए तो वो दोस्तों होता है यूपी में, उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक गेहूं का उत्पादन होता है दोस्तों भारत में। एक्चुअल में देखा जाए दोस्तों, तो क्षेत्रफल के हिसाब से, अगर प्रतिशत के हिसाब से देखा जाए दोस्तों, परसेंटेज के हिसाब से, तो अगर जो आपका पंजाब है, पंजाब हरियाणा में गेहूं का सर्वाधिक उत्पादन होता है, लेकिन दोस्तों क्षेत्रफल के अनुसार, क्योंकि यहाँ का यूपी बड़ा ही है इतना क्षेत्र में,
तो इस कारण से सर्वाधिक उत्पादन जो है वो कहां पर होता है, यूपी में होता है, है ना। और प्रति हेक्टर के हिसाब से अगर हम देखें, प्रति हेक्टर के हिसाब से कहां पर सर्वाधिक उत्पादन दर है, तो वो आपकी पंजाब में है, ये भी आपको याद रखना है, है ना। प्रति हेक्टेयर के मामले में, प्रति हेक्टेयर के मामले में क्या है, पंजाब टॉप पर है इंडिया में। और दोस्तों कुल उत्पादन के हिसाब से देखा जाए तो उत्तर प्रदेश पहले स्थान पर है, क्योंकि उत्तर प्रदेश का क्षेत्रफल बहुत बड़ा है, तो ज्यादा में बोएंगे तो ज्यादा तो होगा ही, पंजाब राज्य छोटा है इसकी अपेक्षा, है ना। अब अगला, गेहूं का भारत में उत्पादन वृद्धि दर, भारत में सर्वाधिक वृद्धि दर गेहूं की किस राज्य की है, इसका मतलब क्या होता है। देखिए भारत में ऐसा वो कौन सा राज्य है जहां पर गेहूं के उत्पादन में प्रति वर्ष वृद्धि ज्यादा होती जा रही है, है ना। उत्पादन तो भले ही यूपी में ज्यादा होता है लेकिन यहाँ का उत्पादन स्थिर है, लेकिन मध्य प्रदेश में जो है, मध्य प्रदेश है इसका उत्तर, है ना, मध्य प्रदेश जो है सर्वाधिक वृद्धि दर्ज कर रहा है, हर साल इसका उत्पादन बढ़ रहा है, मध्य प्रदेश का उत्पादन हर साल लगातार बढ़ता चला जा रहा है। तो इसी कारण से भारत में सर्वाधिक गेहूं उत्पादन वृद्धि दर कहां पर है, मध्य प्रदेश में। आप इसी तरह से लिख सकते हैं यहां पर, मध्य प्रदेश में, भारत की मध्य प्रदेश में सर्वाधिक गेहूं उत्पादन वृद्धि दर है, ठीक। ये भी आपको यहां पर याद रखना है। इसके बारे में कुछ चीजें और हैं, देखिए यहां पर एमपी में सर्वाधिक क्षेत्र पर बोई जाने वाली सिंचित फसल गेहूं है। मध्य प्रदेश में सर्वाधिक क्षेत्र में बोई जाने वाली सिंचित फसल के बारे में अगर पूछा जाए तो कौन सी यह फसल, वो गेहूं है, मध्य प्रदेश में सर्वाधिक सिंचित क्षेत्र में बोई जाने वाली फसल। अगर यहां पर पूछा जाए आपसे कि एमपी में सर्वाधिक उत्पादन गेहूं का कहां पर होता है, किस जिले में होता है, मध्य प्रदेश में सर्वाधिक गेहूं का उत्पादन कौन से जिले में होता है, तो आपको बताना है नर्मदापुरम में होता है दोस्तों, सर्वाधिक गेहूं का उत्पादन नर्मदापुरम में। और अगर पूछा जाए दोस्तों राजकीय गेहूं अनुसंधान केंद्र कहां पर है, तो यहां पर पवारखेड़ा एक स्थान है दोस्तों नर्मदापुरम जिले के अंदर, तो राजकीय गेहूं अनुसंधान केंद्र कहां पर है, नर्मदापुरम के पवारखेड़ा में। और अगर आपसे पूछा जाए दोस्तों अंतरराष्ट्रीय गेहूं और मक्का अनुसंधान केंद्र, तो जबलपुर के खमरिया में, ये दोनों में अंतर है, स्पष्ट करके रखना है, क्लियर। अगर आपसे पूछा जाए मध्य प्रदेश में गेहूं की सबसे बड़ी मंडी, मध्य प्रदेश में गेहूं की सबसे बड़ी मंडी वो कहां पर है दोस्तों, सीहोर में है। एमपी में गेहूं की सबसे बड़ी मंडी कहां पर मिलेगी, सीहोर में मिलेगी, तो ये भी आपको याद जो है रखना है, ठीक। तो इतनी बातें आपको इससे संबंधित जो है ये आपको हमेशा याद रखना है दोस्तों, ये बहुत ही महत्वपूर्ण हमने पॉइंट यहाँ पर शामिल किए हैं, आप इनको अगर भूल गए तो इसका मतलब ये है कि एमपीजी की आपका कमजोर है, तो ये आपको नहीं भूलना है किसी भी कंडीशन में, अगर आप रियल में तैयारी करना चाहते हैं और वैसे ही दिखावा कर रहे हैं तो फिर उसकी तो बात ही अलग है ना, समझ रहे, ठीक। अगला क्वेश्चन हमने आप लोगों के लिए यहाँ पर रखा है, देखिए मध्य प्रदेश के सीएम द्वारा, मध्य प्रदेश के चीफ मिनिस्टर द्वारा एमपी यानी कि मध्य प्रदेश युवा नीति 2023, मध्य प्रदेश के सीएम ने, देखिए अभी चुनाव आ रहे हैं ना, इलेक्शन, तो मध्य प्रदेश के जो सीएम हैं वर्तमान शिवराज सिंह चौहान, इन्होंने क्या किया है कि एक नई नीति युवाओं के लिए लागू की है ताकि क्या हो, वोट मिले, है ना, तो वोट जाने चाहिए उनको, तो इस कारण से युवाओं को आकर्षित करने के लिए मध्य प्रदेश युवा नीति 2023 लॉन्च की है। कब लॉन्च की है दोस्तों, अभी जस्ट 23 मार्च को लॉन्च की गई है सीएम के द्वारा, मध्य प्रदेश युवा नीति, है ना, मध्य प्रदेश युवा नीति 2023। इसमें क्या होना है दोस्तों, युवाओं के लिए है, लाभ है ताकि युवा उनको वोट दे सके। हालांकि देखिए हम ऐसा क्यों कह रहे हैं, हमें किसी पार्टी से विशेष मतलब नहीं है ना, आप समझ रहे हैं, लेकिन ये योजना अभी लाने की क्या जरूरत थी, दो साल पहले लाते है ना, तो क्या हो जाता, लेकिन अभी जब चुनाव आ रहे हैं तब ही क्यों। और देखिए कितनी जल्दी इसको लागू करवा रहे हैं, इसके तहत दोस्तों युवा पोर्टल बनाया जाएगा, इस नीति के तहत युवा पोर्टल बनाया जाएगा और उस पोर्टल में सभी लोग अपना रजिस्ट्रेशन कराएंगे जितने युवा हैं, है ना। सीयूएम युवा कौशल कमाई योजना इसके तहत चालू की जाएगी, कौशल कमाई योजना मतलब स्किल डेवलपमेंट के साथ साथ में कमाई भी होगा, है ना, 8,000 रुपए प्रति माह प्रति युवा दिए जाएंगे, है ना। और अभी दोस्तों जुलाई से इसको मिलना चालू हो जाएगा, ये कितनी स्पीड में काम हो रहा है, यही काम 2 साल पहले कर दे, बात समझ में, 1 साल 2 साल पहले करती यही काम तो क्या होता, लेकिन नहीं चुनाव आया तो ही करेंगे। तो ये सबसे बड़ी हमारे देश में समस्याएं हैं कि किसी भी तरह का जो अच्छा काम जल्दी हो जाना चाहिए वो इलेक्शन के समय पर होता है ताकि हम अगला वोट पा सकें, ये एक थोड़ा सा है ना, थोड़ा सा गलत बात है। बाकी तो पार्टियां सभी अच्छी हैं, अच्छी पार्टियों का नीतियों का विरोध करना चाहिए, किसी भी पार्टी का विरोध नहीं करना चाहिए, ये बात आपको याद रखना है, क्लियर। देखिए इसके बारे में कुछ हमने महत्वपूर्ण चीजें लिखी हैं,
क्योंकि यहाँ पर एक योजना की बात आई है, एमपी युवा नीति है ना, तो ये 23 मार्च को लॉन्च हुई अभी हाल ही में। कुछ और नीतियां हैं मध्य प्रदेश की, उनको याद रखिए दोस्तों, पूछी जाती है पेपर में। पहली है दोस्तों, मध्य प्रदेश की जल पर्यटन नीति कब की है, आपको बताना है। मध्य प्रदेश में जल पर्यटन नीति 2017 में आई थी। कब आई थी? जल पर्यटन नीति 2017 में आई थी। और दोस्तों, वर्तमान पर्यटन नीति मध्य प्रदेश में कौन सी लागू है, मध्य प्रदेश की वर्तमान पर्यटन नीति कौन सी लागू है, 2016 वाली लागू है। ये जल पर्यटन नीति है ना, और ये ओनली पर्यटन। तो मध्य वर्तमान में जो पर्यटन नीति मध्य प्रदेश में लागू है वो कौन सी है, 2016 वाली है, ये आपको यहाँ पर याद रखना है। अगला है एमपी फिल्म पर्यटन नीति, मध्य प्रदेश फिल्म पर्यटन नीति कब आई, ये 2020 वाली लागू है। मध्य प्रदेश फिल्म पर्यटन नीति 2020 वाली लागू है, तो ये भी आपको ठीक तरह से दोस्तों याद रखना है। अगर पूछा जाए मध्य प्रदेश में औद्योगिक नीति, औद्योगिक नीति कौन सी लागू है, दोस्तों 1972 वाली औद्योगिक नीति लागू है मध्य प्रदेश में, 1972 वाली। ये भी आपको दोस्तों बहुत ठीक तरीके से याद रखना है ना, औद्योगिक नीति 1972 की है। और मध्य प्रदेश में वन नीति कौन सी लागू है दोस्तों, वन नीति कब आई थी, 1952 में आई थी दोस्तों, 1952 वाली जो है आपकी ये वन नीति यहाँ पर लागू है। क्लियर? तो इतनी इन नीतियों के बारे में आपको यहाँ पर याद रखना है, और ये आपका क्वेश्चन रहा, इसको आप लिख सकते हैं। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलिए दोस्तों बढ़ते हैं। ये भी दोस्तों बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, ये दोस्तों गेम से संबंधित है। अभी हाल ही में एक नए प्रकार का गेम शामिल हुआ है ना खेलों में। पहले होता था दोस्तों आईपीएल, है ना, आईपीएल के बारे में सब लोग जानते हैं ना, लेकिन अब दोस्तों महिलाओं का एक आईपीएल चालू हो गया है, पहली बार हुआ है ये 2023 में। इसलिए जो पहली बार होता है दोस्तों बहुत महत्वपूर्ण है, तो ये भी आपको याद रखना है। तो याद रखिए क्वेश्चन क्या, महिला प्रीमियर लीग है ना, महिला प्रीमियर लीग 2023 के पहले संस्करण की जो पहली बार हुआ है उसकी विजेता टीम कौन सी है, मतलब हो चुका है भाई साहब, ये निपट गया है ना, तो पहली विजेता टीम कौन सी है पहले संस्करण की, तो विजेता टीम सामने लिखी है, बहुत चलाको तुरंत आंसर देखते हो ना। तो पहले देखिए मुंबई इंडियंस जो है दोस्तों ये इसकी विजेता टीम है। अच्छा, कौन कौन फाइनल मैच में पहुंचे, तो मुंबई इंडियंस वर्सेस दिल्ली है ना, तो इन दोनों का मैच हुआ, महिलाओं की टीम है। देखिए आईपीएल की, हम कौन सी वाले आईपीएल की बात कर रहे हैं, महिला प्रीमियर, अभी ये बार तो 31 मार्च से जो है तो शुरू होना है, जो आईपीएल होता है अपने यहाँ पर नॉर्मल है ना, तो ये महिला वाला हो चुका है, मुंबई इंडियंस और दिल्ली के बीच में हुआ था। तो विजेता टीम कौन सी है, मुंबई इंडियंस, और उप विजेता कौन सी है, दिल्ली की टीम है उप विजेता है ना। और देखिए यहाँ पर जो जीता है, जो विजेता है उसको 6 करोड़ रुपए मिलेंगे, और जो सेकंड नंबर पर आया है उसको 3 करोड़ रुपए मिलेंगे, यानी कि दिल्ली को कितने मिलेंगे, 3 करोड़ रुपए मिलेंगे। और दोस्तों जो आपका थर्ड नंबर पर आया है उसको 1 करोड़ है ना, 1 करोड़ रुपए मिलेंगे, तो ये भी आपको यहाँ पर याद रखना है। अब देखिए दोस्तों महिला प्रीमियर लीग 2023 ये पहली बार हुआ है मुंबई में, है ना, मुंबई में हुआ है, और जीता भी कौन है, मुंबई इंडियंस। क्लियर? और कहां पर कौन से प्लेस में हुआ, मुंबई में ये आयोजन हुआ है इसका, इसके बारे में थोड़ा सा देखिए। ये एक तो पहली बार हुआ है तो इसलिए भी इंपॉर्टेंट है, दूसरा इसका आयोजन कहां पर किया गया है, तो आयोजन दोस्तों मुंबई के अंदर किया गया, और कौन सा स्टेडियम मुंबई में, ब्रैबोन स्टेडियम, कौन सा स्टेडियम दोस्तों, ब्रैबोन स्टेडियम मुंबई में इसका आयोजन किया गया है, ये भी आपको याद रखना है। टाइटल स्पॉन्सर इस खेल के कौन रहे हैं, महिला प्रीमियर लीग 2023 के टाइटल स्पॉन्सर टाटा कंपनी, कौन, टाटा। क्लियर? याद रखना है। अच्छा, इसमें कितनी टीमों ने भाग लिया, तो दोस्तों कुल 5 टीमें थी। आपको पता है जो आईपीएल होता है उसमें 10 टीमें हैं वर्तमान में, है ना, 10 टीमें भाग लेती हैं। अब इसमें जो शुरुआत हुई है तो 5 टीमों से शुरुआत हुई है, मुंबई इंडियंस जो कि विजेता है, दिल्ली, क्लियर, यूपी हो गया, आरसीबी, रॉयल चैलेंजर्स बेंगलोर, गुजरात की टीम हो गई, ये इतनी 5 टीमों ने यहाँ पर भाग लिया है। अगर आपसे पूछा जाए इन 5 में से सबसे महंगी टीम कौन सी थी, दोस्तों सबसे महंगी टीम गुजरात है ना, गुजरात महंगी टीम है, और अडानी ग्रुप जो है उसने इसको, इस टीम को खरीदा था, ये भी याद रखना है। दोस्तों अगर पूछा जाए कि महिला प्रीमियर लीग 2023 का सबसे कीमती खिलाड़ी, सबसे महंगा खिलाड़ी कौन थी, तो स्मृति मंधाना, ये भी याद रखना है, स्मृति मंधाना दोस्तों सबसे महंगी खिलाड़ी है दोस्तों, है ना, और ये भी याद रखना महंगी खिलाड़ी सबसे, कितने में, ये 3.4 करोड़ रुपए में इनको लिया गया, इनको खरीदा गया, ठीक, तो ये भी आपको यहाँ पर याद रखना है। दोस्तों ये जो आईपीएल होते हैं इनका आयोजन कौन करवाता है, ये भी समझ लीजिए, आईपीएल का पूरा आयोजन कौन करवाता है, तो बीसीसीआई के द्वारा करवाया जाता है, है ना बीसीसीआई के द्वारा, बोर्ड ऑफ क्रिकेट कंट्रोल इन इंडिया, बोर्ड फॉर क्रिकेट कंट्रोल इन इंडिया,
इसके द्वारा दोस्तों आईपीएल का आयोजन कराया जाता है, ये भी याद रखना है। और दोस्तों बीसीसीआई की स्थापना कब हुई थी, 1928 में हुई थी इसकी स्थापना, और इसका मुख्यालय कहां पर है, मुंबई में। मुंबई में कहां पर, वानखेड़े स्टेडियम में दोस्तों क्या है इसका मुख्यालय है, ये भी आपको जो है तो याद रखना है, बीसीसीआई का मुख्यालय है ना। अगला है यहाँ पर थोड़ा सा और देख लीजिए, आईपीएल के बारे में सामान्य जानकारी ले लीजिए, क्योंकि यहाँ पर ये पहली बार महिला प्रीमियर लीग, महिला आईपीएल स्टार्ट हुआ है, तो इसलिए आपसे जो ये आईपीएल है, आईपीएल का इतिहास पूछा जा सकता है आपसे एग्जाम में, है ना। तो ये भी याद रखना है। देखिए पहला जो आईपीएल हुआ था 2008 में हुआ था, पहला आईपीएल कब हुआ था 2008 में, और 2008 में दोस्तों जो आईपीएल हुआ था उसमें विनर्स कौन था, तो राजस्थान रॉयल जो है वो इसके विनर्स रहे हैं। कौन, पहले जो आपका आईपीएल 2008 का है उसके विनर्स कौन थे, राजस्थान रॉयल्स, ये भी याद रखना है दोस्तों। 2022 में अभी रिसेंटली हुआ था आईपीएल, पिछले साल है ना, 2022 में 23 में अभी होना है, अभी हुआ नहीं है, 31 मार्च से जो है तो इसको स्टार्ट होना है, ये भी याद रखना है ना। 2022 में है जो दोस्तों ये 10 टीमों के द्वारा जो है तो क्या हो जाएगा, 10 टीमों के द्वारा इसमें खेला जाना है। इसमें कितनी टीमें शामिल रहेंगी, 10 टीमें। और दोस्तों 2022 का इसमें विनर्स कौन था, 2022 में गुजरात इसमें विनर्स रहा है, ठीक है। 23 का तो अभी होना है, उसके तो परिणाम आएंगे, है ना। तो 22 के बारे में बताएं तो गुजरात विनर्स, 10 टीमों ने भाग लिया, है ना। और ये 15वें नंबर का था, 2022 वाला कौन से नंबर का था, 15वें। पहला नंबर कब हुआ था, 2008 में, कौन जीता था फर्स्ट विनर्स, राजस्थान रॉयल्स इसके पहले विनर्स रहे हैं, तो ये भी आपको अच्छी तरह से याद रखना है। तो ये सारी चीजें दोस्तों आपको पूरी की पूरी याद रखनी है। आपसे कोई भी पूछे कि मुंबई इंडियंस है ना, मुंबई इंडियंस जो है ये विजेता रही है किसकी, महिला प्रीमियर लीग 2023 की, जो कि पहली बार हुआ है ना। बीसीसीआई की स्थापना, मुंबई मुख्यालय इसका वानखेड़े स्टेडियम में है, कुल 5 टीमों ने यहाँ पर इस वाले में भाग लिया है ना। पहली बार आयोजन हुआ है ब्रेबोन स्टेडियम में आयोजन हुआ मुंबई के, ये भी याद रखना है ना। सबसे महंगी खिलाड़ी पूछा जाए तो आरसीबी की है आपकी, कौन है, स्मृति मंदाना, 3.4 करोड़ रुपए में, है ना। और सबसे महंगा जो है टीम जो है अगर पूछी जाए तो गुजरात की सबसे महंगी, अडानी ग्रुप ने इसको खरीदा है। ये सारी चीजें आपको याद रखना है ना। मध्य प्रदेश युवा नीति 2023 कब लॉन्च हुई इसके बारे में आपको पूरा पढ़ लेना है। और इसके अलावा ये पहला क्वेश्चन जो हमने आपको गेहूं से संबंधित महत्वपूर्ण जानकारियां दी हैं, ये भी आपको याद रखना है दोस्तों, क्लियर। अब दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में हम और इंपॉर्टेंट करंट अफेयर जो है यहां पर लिख करके लाएंगे, क्योंकि दोस्तों लिखना इसलिए जरूरी है यहाँ पर पहले से, ताकि समय की बचत हो सके और बीच में इसको फिर से ना लिखना पड़े, क्योंकि और साथ साथ में लिखेंगे तो ज्यादा समय लग जाएगा, इसलिए वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शॉर्ट करने की कोशिश की जा रही है। और दोस्तों थोड़ा सा हम भी व्यवस्थाएं बना रहे हैं, जैसे ही थोड़ा सा व्यवस्थाएं बनती हैं तो आपके लिए बहुत ही एक अच्छी चीज लाने वाले हैं, उसके माध्यम से आपका करंट अफेयर जो है तो डिजिटल बोर्ड के माध्यम से पढ़ना आसान हो जाएगा। तो इतना याद रखना दोस्तों, बहुत ही इसको हम उच्च लेवल पर लेकर के जाने वाले हैं। तो दोस्तों कंटेंट अगर अच्छा लगे आपको तो वीडियो को जरूर लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ में शेयर करें। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो के साथ में, तब तक के लिए जय हिंद।